फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MVB.NET के अंदर हम कैसे रो को सॉर्टिंग कर सकते हैं। तीन रो फिल्टर करने के मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूं, एक इजी मेथड एंड थोड़ा सा एक ट्रिकी मेथड। जो हम दोनों मेथड्स का हम यूज़ करके हम इसको देखने वाले हैं, हम कैसे रो को फिल्टर कर सकते हैं। ओके, तो ये पार्ट वन होगा। दिन पार्ट टू के अंदर आप जो है कॉलम को कैसे अकॉर्डिंग टू कॉलम मल्टीपल कॉलम्स के साथ हम फिल्टरेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट चलते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर एंड प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने डेटाबेस जो ऑलरेडी एक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अपना एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। और देन ये मैंने एक डेटाबेस डाउनलोड किया हुआ डेमो नाम से, ठीक है। और देन इसके अंदर अपनी टेबल गाइड करने वाले हैं कस्टमर सेल्स डॉट कस्टमर्स। ओके, सो नाउ एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं एंड क्रिएट ए प्रोजेक्ट बटन पर क्लिक करते हैं। चूज करते हैं हमारा विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट, देन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें देना हमने प्रोजेक्ट का नाम, देन प्रोजेक्ट का नाम हम यहाँ पे देते हैं वी बी रॉ फिल्टर। ओके, सो नाउ इस आवर प्रोजेक्ट नेम, देन क्रिएट, क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। Now it's creating a project for us, and then now project have been created successfully. Okay, so first we need to be import a data grid view in our project. So now Binify data grid, we are using Binify data grid view. यदि हम Binify का आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो का जो है लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। F4 प्रेस करते हैं, फिर इसकी डॉक पोजिशन है वो हम यहाँ पे टॉप पोजीशन में कर देते हैं। ओके, सो ना ये हमने डेटा ग्रिड व्यू हम इंपोर्ट कर लिया है। देन हम डबल एक लोड इवेंट क्रिएट कर लेते हैं फॉर्म का, देन डबल क्लिक करते हैं फॉर्म के ऊपर तो एक लोड इवेंट जो है VB.NET के अंदर क्रिएट हो जाएगा। देन अभी हमें क्या एक डेटा सेट जो है हमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, तो डिम इसका नाम दे देते हैं DS एज डेटा सेट। ओके, सो नाउ एज डेटा सेट वी हैव क्रिएटेड वेरी एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया है। देन अब हमें क्या करना है, डेटा को लोड करना है डेटा ग्रिड व्यू के अंदर। तो उसके लिए हमें एसक्यूएल कनेक्शन की जरूरत हमें आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे कौन नाम का एज स्ट्रिंग हम कनेक्शन स्ट्रिंग को इसमें स्टोर कर लेते हैं। ओके, सो कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर चलते हैं, यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ। आपको कैसे ऐड करना मैं आपको दिखा देता हूँ। कनेक्ट टू डेटाबेस बटन पर क्लिक करेंगे एंड नाउ रिफ्रेश करेंगे तो हमारा सर्वर नेम जो यहाँ पे रिफ्रेश लोड हो जाएगा। देन आपको आपका सर्वर सेलेक्ट करना है, देन आपको आपका डेटाबेस जो सेलेक्ट करना है डेमो, देन टेस्ट कनेक्शन एक बार टेस्ट कनेक्शन चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ओके बटन पर क्लिक करना है। ओके, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, देन रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हम चेक करेंगे ये हमारा डेटाबेस है। अब राइट क्लिक करना है हमें डेटा के ऊपर एंड देन प्रॉपर्टी पर चलते हैं और यहाँ से हमें कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करना है, देन यहाँ पर हमें पेस्ट करना है। ओके, और मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि VB.NET के अंदर हम कैसे जो है सिक्योर लॉगिन लॉगआउट सिस्टम विद एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसका वीडियो भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। आप उस वीडियो को जाकर भी वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और तो फर्स्ट हमें डेट कनेक्शन स्ट्रिंग हमने क्रिएट कर लिया, देन हमें क्या करना है कि एक एसक्यूएल की क्वेरी हम उसको क्रिएट कर लेते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल डेटा फ्रॉम टेबल का नाम हमारा सेल्स डॉट कस्टमर्स। ओके, सो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग हमने कंप्लीट कर लिया है, क्वेरी हमने कंप्लीट कर लिया है। देन अब हमें क्या करना है, डेटा अडाप्टर सबसे पहले हम एसक्यूएल का कनेक्शन जो है ओपन कनेक्शन के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं कौन एंड कौन str, ये कनेक्शन स्ट्रिंग है। देन इज एसक्यूएल कनेक्शन। ओके, तो हमें टाइप करना है, देन हम इसको इम्पोर्ट कर लेंगे। तो हमें इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में तो न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। देन यहाँ पे अब यहाँ पे आप चलते हैं तो अल्ट्रा प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको वैसे फिक्स करने के लिए कहेगा। तो ये इम्पोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, जैसे आप यहाँ ये नहीं करके पहले ये
आप इंपोर्ट कर लेंगे फिर भी आपका जो है वो हिंट आपको जो शो होने लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको हमें अपनी एसक्यूएल की कनेक्शन सर्वर की कनेक्शन स्ट्रिंग जो इसको पास करनी है, तो हमारी कौन str आप पास कर देना। ओके, अब हमें क्या करना है, डेटा अडाप्टर की हमें नीड होगी जिसके अंदर हम अपनी एसक्यूएल की क्वेरी को हम चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा अडाप्टर, ओके, डेटा अडाप्टर एज ए न्यू, इसका भी हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो एसक्यूएल डेटा अडाप्टर, देन इसको टू पैरामीटर्स की नीड होती है। तो फर्स्ट पैरामीटर हमारी क्वेरी होगी एंड देन सेकंड पैरामीटर इज आवर कनेक्शन। ओके, तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। ओके, तो फर्स्ट हमने दोनों इसको प्रोवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस डेटा अडाप्ट अब हमारा जो कनेक्शन है वो सर्वर का ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब हमें क्या करना है, डेटा अडाप्टर के अंदर हमारे डेटा को फिल करना है। तो हमने डेटा जो है वो लोड कर लिया है, हमारी क्वेरी जब फिल करेंगे तब हमारी क्वेरी जो है कम्प्लीटली चलेगी। डेटा अडाप्टर फिल, एंड हमें यहाँ पे पास आउट करना है, सॉरी फॉरगेट्स, एंड हमें यहाँ पे पास करना है डेटा सेट को। एंड डेटा सेट यदि कि टू पैरामीटर्स ये हमें लेता है, तो यहाँ पे आप जो हिंट करेंगे तो फर्स्ट डेटा सेट देन एज ए इंटीजर, ये जो है आप टेबल का नेम ये एज ए इंटीजर दे सकते हैं या एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे सकते हैं। तो फर्स्ट इसको चाहिए डेटा सेट, देन डेटा सेट उसके अंदर डेटा फिल आउट करेगा, देन टेबल का नेम एज ए स्ट्रिंग या एज ए इंटीजर बोथ आर अवेलेबल। सो हमारी टेबल का नाम हम कस्टमर्स यहाँ पे दे देते हैं। ओके, सो इसको रिमूव करना पड़ेगा। वी बी डॉट नेट, वी आर यूजिंग वी बी डॉट नेट। सो एंड कनेक्शन हमारा जो है वो क्लोज कर देते हैं, एंड कनेक्शन हमने क्लोज कर दिया। फर्स्ट वी चेक इट आवर प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुली रनिंग और नॉट। सो नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड चेक इट। डेटा इज नॉट लोडिंग। सो वाई, सो आई हैव फॉरगेट इट एज अ क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। सो नाउ देन सेव इट एंड अगेन स्टार्ट। तो डेटा अगेन नॉट लोडिंग, एंड सो व्हाट वी नीड टू अपडेट एंड चेक इट और क्वेरी। सो कॉपी इट एंड पास्ट न्यू क्वेरी। सो F5 और प्रेस फॉर एग्जीक्यूट एंड इज सक्सेसफुली रनिंग। सो व्हाट हैपन इन और प्रोग्राम। सो कनेक्शन ओपन एंड सो वी हैव फॉरगेट इट बाइंडेड नॉट बाइंडेड डेटा डेटा सेट विद डेटा ग्रिड व्यू। सो डेटा ग्रिड व्यू और डेटा ग्रिड व्यू नेम इज एंड बीनिफ योर डेटा व्यू एंड देन डेटा सोर्स फॉरगेट इट इज पिक फॉरगेट इट एंड नाउ देन द डेटा सेट देन टेबल इज टेबल वी हैव फर्स्ट इफ वी लुक आवर इंडेक्स इज जीरो बिकॉज वी आर लोडिंग द वन टेबल इन आवर डेटा सेट। सो ओके न्यू स्टार्ट एंड और डेटा बेस और डेटा इज लोडेड फ्रॉम द डेटा बेस डेटा व्यू। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट हम सॉर्ट करने का पैटर्न देख लेते हैं। तो एक बटन हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, देन यूनिफाई का बटन यहाँ पे ले लेते हैं और F4 प्रेस करना और इसको कह देते हैं सॉर्ट। ठीक है, फर्स्ट हमें क्या करना है, डेटा को सॉर्ट करने का कर लेते हैं। तो डेटा ग्रुप का इसका प्री डिफाइंड जो है वो फंक्शन है, देन डबल क्लिक कर दें तो बटन का क्लिक इवेंट जो वो जनरेट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको कॉपी कर लेते हैं फास्ट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सॉर्ट का इसका प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो इसको क्या चाहिए होता है, एक तो दो पैरामीटर्स जो है, फर्स्ट कॉलम चाहिए होता है, देन किसके साथ जो हमें एसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें डेटा को जो है सॉर्ट करना है। तो फर्स्ट डेटा के रिव्यू हमारा वो यहाँ पे देना है, तो देन और उसका कॉलम मैं दे देता हूँ
कॉलम्स में इसको प्रोवाइड करा देता हूँ जीरो, फर्स्ट वाला मेरा कॉलम जीरो नॉट वन, कुछ भी, तो फर्स्ट सेकंड कॉलम इज और नेम कॉलम, सो फर्स्ट एंड लिस्ट लिस्ट शोड डायरेक्शन, हमारे डायरेक्शन जो है वो किस तरफ हो, तो हमारे डायरेक्शन फर्स्ट असेंडिंग मॉड, लिस्ट शोड डायरेक्शन शो पटन फिक्स इम्पोर्ट, हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा इसके लिए लाइब्रेरी को भी, तो हमने इम्पोर्ट कर दिया है, देन सेव और प्रोजेक्ट, देन क्लिक ऑन स्टार्ट बटन नाउ एंड चेक इट एंड क्लिक ऑन सॉर्ट, तो देखिए सक्सेसफुली जो हमने सॉर्टिंग कर लिया है, तो यहाँ पे चलते हैं, देखिए ए ऑटोमेटिकली इन सब कुछ सॉर्ट कर दिया, देन अब हम करते हैं फिल्टर का, हमें यहाँ पे दो मेथड हमें फिल्टर की चेक करनी है, तो फर्स्ट मेथड इसको इधर रख देते हैं, एक विनिफाई का हम मटेरियल टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं और यहाँ पे रख देते हैं इसको अभी, F4 प्रेस करते हैं और ये वाला टेक्स्ट जो इसको रिमूव कर देते हैं एंड हिंट टेक्स्ट लगा देते हैं, सर्च सिटी हियर, एक सिटी वाला हमारा कॉलम है, तो यहाँ पे ये हिंट आ गया है, देन इस पर डबल क्लिक करते हैं तो इसका भी जो इवेंट वो जनरेट होता है, फर्स्ट मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेथड होगा जो सिंपल होगा, देन दूसरा मेथड थोड़ा सा अलग डिफरेंट होगा, तो फर्स्ट मेथड हम जो डेटा सेट के टेबल के अंदर जो है वो डिफॉल्ट व्यू का रॉ फिल्टर करेंगे, तो हम डेटा सेट की हमारी टेबल है वो है जीरो, देन ये जो जीरो है देन डिफॉल्ट व्यू एंड रो को हम फिल्टर करेंगे, तो हमारी यहाँ पे रो को फिल्टर करते हैं इज इक्वल टू, हमें फर्स्ट इसको पास करना है कि आप किस कॉलम में, सिटी कॉलम, हमारा सिटी कॉलम है लाइक का यूज करते हैं ताकि जो है वो स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मतलब जो है लेटर टू लेटर जो सर्च करेगा, देन तो फर्स्ट हम इसको पास कर देते हैं, हमें इसको पास करनी है वैल्यू, तो वैल्यू पास करना है ठीक है, तो यहाँ पे तो परसेंटेज मतलब हम जो टेक्स्ट टू टेक्स्ट हम सर्च करना चाहते हैं ठीक है, ओके तो हमने दोनों को यहाँ पे पास कर दिया है, देन अब हमें चलना है टेक्स्ट बॉक्स को, हमें यहाँ पे पास करना है, तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स पास करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉल करने के एंडेड का, एंड हमारा टेक्स्ट बॉक्स है मटेरियल एंड टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट डॉट, इसका कॉल करते हैं डॉट टेक्स्ट स्पेस, ओके सो कंप्लीटली ओके, अब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एंड चेक करते हैं यहाँ पे, ओके कैन नॉट फाइंड जीरो टेबल, ओके डेटा सेट फर्स्ट ये इसलिए कह रहा है कि वो अभी एमपीटी है, तो यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज कर लेते हैं, क्योंकि इफ कंडीशन में हम चेक करते हैं कि वो जो है वो एमपीटी ना हो, तो फिर हमारा जो हम सर्च करते हैं तो मटेरियल टेक्स्ट बुक डॉट टेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू देन एंड इफ, ओके तो यदि वो ब्लैंक ना हो हमारा, तो फिर ये जो है सर्च करने का काम करें, और स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को, देन ठीक है अब कोई एरर नहीं, अब मैं सिटी टाइप करता हूँ जैसे एयरपोर्ट, ये देखिए हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, अब मैं रिमूव करता हूँ तो देखिए फिर से रीसेट हो चुका है, फर्स्ट मेथड ये हुआ, देन सेकंड मेथड हम यूज करते हैं एंड अब सेकंड मेथड हम डेटा व्यू का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो ठीक है अब इसमें तो क्या हुआ कि हमने सर्च किया तो हम डायरेक्टली ऐसे सर्च कर पा रहे हैं और फिर से रीसेट भी है जो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, देन
अब हम यूज करते हैं जैसे एक डेटा व्यू का, तो डी वी इसको फॉर्म नाम दे देते हैं एंड डेटा व्यू। तो हमने अब इसका भी जो है हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। ओके, अब हमें क्या करना है, तो डी इसको फिर से अभी यूज करते हैं। ओके, तो हम यूज करते हैं डी वी इजिकल, इसको क्या पास करना है, इसको डेटा व्यू को ऑब्जेक्ट के फॉर्म, अब यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो डेटा व्यू, और ऐसा ना करके हम इसको डायरेक्टली यहीं पे इसको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट दे देते हैं। तो हम यहाँ पे पास करेंगे इसको डायरेक्टली डी एस टेबल एंड जीरो, एंड हमें पास करना है, नहीं रॉन्ग मेथड हो जाएगा। ओके, इसको कॉपी करता हूँ एंड फिर इसको इसी के अंदर पास करना पड़ेगा डेटा व्यू के अंदर। कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड यहाँ से इसका जो ऑब्जेक्ट हटा देते हैं। अब हमें पास करना है यहाँ पे कि हम क्या सर्च करना चाहते हैं, उसी प्रकार से हमें यहाँ पे पास करना है। हमें सर्च करना चाहता हूँ सिटी के अंदर, ये डेटा व्यू के लिए एरर देगा शो। तो क्या हिंट हमें मिलता है, डीएस टेबल हमने जीरो कर दिया एंड न्यू यहाँ पे डीवी एंड डीवी डेटा व्यू एंड सिटी इज। अब इसको क्या देना, हमको वैल्यू देना। तो ठीक है, वैल्यू देने के लिए हम एक तो हमने एडेड का यूज़ किया, तो इसको हम प्लस प्लस का भी यूज़ कर सकते हैं, पीपी टर्मिनल जैसे सी शार्प के अंदर करते हैं। तो इसी की वैल्यू हमें इसको पास कर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड नाउ पेस्ट कर लेते हैं। और देन हमें इसको जो है कौन से मोड में करना है, तो तीसरा मोड हमें देना है। तो फर्स्ट सेकंड मोड हमें देना है इसको कि जो सीटी वो होगी फिल्टर वो होगी डिसेंडिंग मोड में, तो DESC। देन हमें करेंट रो को उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो वही से स्टार्ट फर्स्ट करेंट रो उसको ये जो फिल्टर करेगा उसको करेंट रो के फॉर्मेट में हमें शो करा देगा। तो डेटा व्यू रो स्टेट हमें इसका देना पड़ेगा करेंट रो। करेंट रो हमने पास कर दिया, देन हमारा काम कंप्लीट हुआ। अभी मैं इस कोड को जो है वो इन कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, देन कमेंट करते अभी मैं हम चेक करने वाले हैं हमारे दूसरे मेथड को। ठीक है, तो अब मैं अपने प्रोजेक्ट को सेव करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं तो अभी मैं जैसे सर्च करता हूँ सिटी, ठीक है, फाइव पोर्ट एंड टाइप में करता हूँ, देखिए फेयर पोर्ट। तो अभी हमारा जो है वो सर्च कम्प्लीटली वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं उस पर टाइप करूँगा ना तो वो सारा सब कुछ रिमूव हो जाना चाहिए। ओके, फिर से हम एक गलती कर चुके हैं, फिर से हमें डेटा ग्रिड व्यू के साथ इसको बाइंड अप करना पड़ता है। तो इसको डेटा सोर्स की तरह फिर से बाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हमने डेटा व्यू को इसको फिर से देना है। तो ये हमने डेटा व्यू इसको पास कर दिया। ठीक है, एंड फिर सेव करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं और फिर चलते हैं एंड फेयर पॉट। अब मैं जैसे टाइप करना, अब देखिए वो फिल्टर वाला मेथड कैसा था, अब ये वाला देखिए मैं टाइप करता हूँ थोड़ा, अब ये इस प्रकार से हमें जी शो करता। अब मैं फिर से रिमूव करता हूँ, अब मेरा सारा सब कुछ जो है रीसेट नहीं हुआ। अब इसके रीसेट के लिए हम क्या मेथड यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एल्स का यूज़। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो डेटा जो हमारा वो है इसको फिर से पास करा देंगे जीरो डीवी एंड इसको फिर से ऑब्जेक्ट डेटा व्यू एंड डेटा व्यू हमारा, हम इसको ओनली जो हमारी टेबल है वो हमने लोड किया है फर्स्ट, तो वो हमें इसको पास करानी है। तो हमारी टेबल है वो डेटा सेट एंड टेबल एंड जीरो, तो
जीरो के हमने इसको फिर से इसको टेबल प्रोवाइड करा। अब हमें क्या करना, फिर से हमें इसको इसके साथ डेटा व्यू को हमें बाइंड अप करना है। तो इस देखिए हमें इसको कोड को लेंथी करना पड़ा और हमारा काम जो है ओरिजिन है। तो स्टार्ट करते फिर से हमारे प्रोजेक्ट को एंड कैन नॉट फाइंड टेबल जीरो। ओके ये फिर से एरर आ चुका है। देन तो फिर से स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं। ऐसा करते हैं इस कोड को हम क्या करते हैं ट्राई एंड कैच में रख लेते हैं, ताकि जो एरर जो ये आने वाली, क्योंकि वो ब्लैंक फॉर्मेट में, फिर से हमें इफ लगाना पड़ेगा देन और फिर से, क्योंकि ब्लैंक फॉर्मेट में इसलिए वो नहीं कर पाएगा। तो डेटा व्यू को जो है वो फिर से हमें इसको रिफ्रेश करना है। तो या फिर हम ऐसा कर सकते हैं हमारी जो डेटा सेट के साथ वो टेबल है वो फिर से हम इसके साथ बाइंड कर देते हैं, ठीक है। देन इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और फिर से सेव करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को। तो फिर से एरर वही है कि कैन नॉट फाइंड टेबल, टेबल इसको नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सारे कोड को हम क्या करते हैं ट्राई एंड कैच के फॉर्मेट में रख देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको कट करते हैं पूरे को एंड पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को। ये देखिए अब मैं फिर से सर्च करता हूँ एंड फेयरपोर्ट और मैं रिमूव करता हूँ देखिए हमारा डेटा। तो इस प्रकार से जो फिर से वो शो होगा। तो अब मैं कुछ टाइप करता हूँ तो इस प्रकार, ये मेथड है हमारा दूसरा वाला। फर्स्ट वाला मेथड आपको कैसा लगा एंड दूसरा वाला कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ जो है प्रोग्रामिंग के अंदर हमने टाइम थोड़ा ज़्यादा कंजप्शन हो गया, क्योंकि कुछ एरर्स वगैरह हमारे कुछ फॉरगेट कर चुके थे, तो इस वजह से। तो आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो मिनिफाई आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, तो उसकी डाउनलोड लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ठीक है। और लॉगिन सिक्योर लॉगिन लॉगआउट सिस्टम आपको सीखना है कैसे क्रिएट करें वीबी डॉट नेट के अंदर, तो वो उसका भी मैंने जो है वीडियो का लिंक वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।